थ्री टू वन मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ था 1986 में उसके बाद मैं कनाडा गया कनाडा में प्राइवेट स्कूल में था प्राइवेट स्कूल में मुझे पहली बार मुझे लड़की ने हाथ पकड़ा हेली उसका नाम था मुझे बटरफ्लाइज महसूस हुई फिर उसने मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच भी सिखाई फिर मैं वापस आया यहाँ पर फिर मेरा पहला फड्डा हुआ था हाजम के साथ मैंने हाजम को मुँह पे जूते मारे थे क्योंकि वो किसी को मार रहा था भूली था और फिर वहाँ से निकल के फिर मैंने जैबिस में गया जैबिस में मैं एक बार मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था क्योंकि मैंने बहुत कॉफी पी ली थी विच इज वियर्ड एंड थर्टी फोर सेकेंड ओके मोर जैबिस में फिर मैंने uh, मेरी जी पी ए भी अच्छी थी थ्री पॉइंट टू थी फिर मैं uh, एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया जिसका नाम था मेढक मेंढक में मैं लाइट उठाता था एक बार एक एक्टर था जिसका नाम दानिश है उसने मुझ पर चीखा था क्योंकि मैं उसमें सैंडविच में खीरे नहीं थे और फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर जॉब छोड़ गया फिर आई स्टार्ट डूइंग थिएटर आई वाज हैप्पी बट आई वाज मेकिंग थाउजेंड रुपीज़ ऑफ शो ओके okay. इस्लामाबाद में पैदा हुए थे नाइनटीन एटी में उसके बाद कनाडा चले गए कनाडा में हेली ने हाथ पकड़ लिया पेट में बटरफ्लाइज आ गई बटरफ्लाइज के बाद आप जैबिस्ट आए इधर

आप ये याद आ, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी अब मुझे बताओ असल क्या था और नकल क्या था? सब सच था है अब? हेली पता नहीं है। आ, वो आ, एक स्कूल था, विलो स्कूल. अच्छा। तो मैं इस्लामाबाद से गया था तो आई वाज इन इस्लामा मॉडल कॉलेज फॉर ही होते थे वहां पे जो भी होता था घर का नक्शा दिखाऊं मैं कहता तो ये ये हाथ लेता था और और थूकता था कहता स्विमिंग पूल है, है अल्लाह गंदे मजाक फिर वहां से मैं गया कनाडा और इंग्लिश भी यस मैम नो मैम आती थी बस ये सब आता था वहां पे तो जाके फ्रेंच सिखाने शुरू हो गए मॉन्ट्रियल में थे नहीं टोरंटो में, में, में था पर प्राइवेट स्कूल में था क्योंकि उस वक्त अबू आ, साथ थे मतलब फाइनेंशियली वी कुड स्टडी सो खैर वहाँ पे फिर लड़कियों लड़कियाँ फ्रेंच इंग्लिश ये सब नया पहले लोग मैं फेल कहा लड़कियाँ देखते रहो मैं कहा ये तो बहुत टू मच चेंज टू मच चेंज फ्रॉम और यहाँ से हम आ गए हेली हाथ पकड़ लिए अब फिर है ना, ना हाथ पकड़ लिया हेली हाथ पकड़ के मुझे घुमाती थी कि ये आली दिस इज दिस ये ये। उसने मुझे आइस स्केटिंग सिखाई Uh, फिर मैं उस टीम के आइस uh, स्केटिंग टीम में गोली बना, वी 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 वे, द ब्रोकन बट अब वो मैंने, मैंने बना लिए तो मैं पूछूंगी तो जरूर okay, अच्छा uh, अगर कोई एक कॉमेडी स्केच हो hmm. जिसके लिए यू वुड वांट टू बी नोन फॉर फॉरएवर लाइक अगर एक चीज like, कल को अगर सब मर गए यहाँ पे और एक तुम्हारा स्केच को याद रख ले क्या yeah. तो कौन सा होगा आई डिड दिस वी डिड दिस वन फनी स्केच पर उसके उसके नो बडी डेंट गेट मनी व्यूज बट बेसिकली जब मैं ट्रैवल करता था बहुत प्री कोविड बिकॉज ऑफ वर्क तो कभी कभी होता है ना कि आप रायवंड में शो है अब रायवंड में कोई अच्छा होटल तो नहीं है तो आप रह रहे हैं होटल राशिद में अब होटल राशिद में ये हो रहा है कि आप जाने चेक इन किया तो अंदर एक ऑलरेडी बंदा नहा रहा है <laughs> <laughs> ये मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया ये आप आप या इफ यू ट्रैवल इंटीरियर पंजाब से बट में अगर शो था तो में तुम लाहौर में क्यों नहीं रहे नहीं वो ऐसा शो था कि किसी की दावत नहीं होता कि अच्छा नहीं, नहीं, दावत थी किसी की हाँ मतलब किसी की वो थी नहीं नहीं हमारी दावत नहीं थी वो एज अ प्राइवेट शो ओके किसी फैमिली के लिए तो उन्होंने हमारे लिए गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था सो एनी वे समाइम्स यू डोंट हैोलो स स्कैच कॉल होटल हॉरेबल और समथिंग एंड इट्स प्रोवी ऑन यूट्यूब एंड एंड इट वॉज अबाउट दिस सच होटल कि एक बंदा जा रहा है तो वो नाश्ता मंगवा रहा है तो uh, वो साथ में भैंस लेके आ गया कि यहाँ से अभी <laughs> अभी आपको निकाल के फ्रेश दे देता हूँ यू नो स्टफ लाइक दैट सो याल शेयर द लिंक अच्छा अगर तुम रेस्लर होते यू नो लाइक डब्ल्यूब्ल्यू में वो एंट्रेंस होती है एक तो वो एंटर कैसे करते तुम्हारी एंट्रेंस क्या होती मेरी होती uh, कोई छोरा गाना ना जैसे हसन जहांगीर का कोई गाना टाइप वुड बी माई कोई मूवमेंट भी तो होगी ना साथ यूं करके आने वाली या मूवमेंट मूवमेंट तो वो होती है ना रेसलर्स की ये वाली मकरानी कैरेक्टर डोंट नो और कपड़े तुम्हारे <laughs> <laughs> कपड़े क्या होते हैं चड्डी छोटी सी बस उसमें पीछे ए जी पी लिखा हो या साईं की चड्डी भी साईं <laughs> और आई डोंट नो साई की चड्डी भी साईं अच्छा इमेजिन करो तुम एक बस में चढ़ते हो yeah. उसमें एक सीट अवेलेबल है उसके साथ शेख रशीद बैठे हुए हैं आई वुड सेट क्या कहाँ वुड दैट गो मैं बस साथ में बैठूंगा बोलूंगा कि क्या वो साहब शेख साहब क्या चल रहा है how's the love life because he has a very colorful love life oh really yeah i mean he's, he's party animal like nehari party okay, tell me, how do you find the strength to be so funny in such dark dark times i, I think uh, in places like pakistan um, comedy is much more thriving and much more important as well because uh, अगर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे तो वहाँ पे इतनी मॉडर्न आर्ट नहीं बन रही hmm. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उधर सब कुछ है घर है बिजली है सेफ्टी है खाने को है तो उधर जहाँ ट्रबल नहीं होता जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ना वहाँ पर आर्ट थ्राइव नहीं करती बिकॉज आर्ट कम्स फ्राम दैट डिस्ट्रेस एंड दैट रिबेलियन वे यू टू डोंट टू गिव इन टू डिप्रेशन सो फॉर मी समाइम्स आई एम ऑल्सो आई एम ह्यूमन सो आई एम ऑल्सो डिप्रेस्ड

Like किस को इंटरव्यू कर रही हूँ और सिर्फ सबक छोड़ के सिर्फ जो रिक्वेस्ट आई ना कि हमारे लिए वीडियो बनवा देना हमें हाई कह देना हमारी तरफ से कहनाज ओनली यू सो आई थिंकट मार्क यू मेड ऑन आई थिंक एवरी सेक्ट ऑफ सोसाइटी और हर किस्म के बंदे के ऊपर एक नो मैटर आपको जिसका फोन है वो वीडियो देख के हंसे का तो जरूर लाइक आई मीन टाइम्स जो मेरी फेवरेट इज नवाज शरीफ मेकिंग दैट बॉम्ब हाँ दो चूड़िया कस लो या